चंबल तट स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर नगर पालिका परिषद द्वारा 8 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत मेहंदी रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। फटाफट 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 चलो दर्शन करो जल्दी निवेदन है, और जितने भी बच्चे हैं इन लोगों से भी निवेदन है कि भी आप लोग के अपने पेरेंट्स को प्रेरित करें। अगर कोई आपको आसपास में कचरा फेंकते लगते हैं, एक हमारी प्ले स्टोर पे ऐप्स है, उस ऐप्स पे भी आप गंदगी के विषय में डाल सकते हैं, लेकिन प्लीज आप नगर पालिका के स्वच्छता अभियान में आपके सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं। शोभा बढ़ रही, उसके लिए आपके बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। हेलो, नगर पालिका कैंपस के ड्राइवर जो भी हैं थोड़ा बसंबाव जी से संपर्क करें मंच पर। कैंपस में कोई अतिथि ड्राइवर की ड्यूटी प्लीज वो थोड़ा आ जाए बसंबाव जी से संपर्क करें अर्जेंट काम में। सभी प्रतिभागी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके ऊपर हमारे निर्णयकों की नजर है। नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा आयोजित मेहंदी रंगोली प्रतियोगिता जो कि 30 मिनट के लिए आयोजित की गई है, सर्वप्रथम रंगोली प्रतियोगिता जो कि 1:40 तक प्रारंभ की गई थी, जो 2:10 पर समय समाप्त कर दिया जाएगा। अभी 1:54 हुआ है, आप लोग घबराए नहीं, 1 मिनट से आप अपने परफॉर्मेंस को पूरा करें। और निवेदन है पीछे हमारे अनिल जी जोशी भैया से कि प्लीज थोड़ा सा उधर का पेरेंट्स और इनको थोड़ा सा पीछे खसकवा दिए आप लोग। कोई भी व्यक्ति चौक के अलावा किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं करेगा। हमारे निर्णायक लोग थोड़ा सा और आगे घूम के आप लोग थोड़ा सा चेक करें सभी प्रतिभागियों को। आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के पास गली मोहल्ले चौराहे सब साफ बना के चले चलो। अपने घर को
सबसे बढ़कर स्वच्छ बनाते चले चलो। और न होगी मान लिया तो खा लिया। अपना शहर है ये, दिल है की घर है ये, सबको ये दे। आप लोग बड़ा किया पीछे जब भी दे अपना नहीं बोलिए। जिन प्रतिभागी के पास भी टोकन प्राप्त किया है वो जो अभी आए हैं वो भी बैठ सकते हैं, लेकिन समय उनको 2:10 तक ही अपना परफॉर्म पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि अभी ये समय प्रारंभ हो गया है प्रतियोगिता तो आपको एंट्री देने से इनकार करेंगे। आप लोग अभी आए हैं तो अभी भी आप अपना परफॉर्म प्रारंभ कर सकते हैं। आप अपने टोकन नंबर के हिसाब से गोला बना ले, हमारे वॉलंटियर्स आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन 2:00 उसको बोल देंगे कि आप हट जाए। अभी चालू प्रतियोगिता में काफी लोगों के मतलब वो आ रहे हैं कि भाई सेल्फी की वजह से उनको डिस्टर्ब हो रहा था, प्लीज सेल्फी के लिए 2:10 के बाद में वो जिनको सेल्फी लेना है ग्राउंड के बाहर आप लोग करें। सभी निर्णायक हमारे काफी मेहनत करते हुए और सभी बिल्कुल अपनी कड़ी नजर से सभी प्रतिभागी को परखते हुए नजर आ रहे हैं और प्रतियोगिता में भाग ले रही हमारी नन्ही मुन्नी बेटियां काफी मेहनत कर रही है और काफी अच्छा मतलब अपना परफॉर्मेंस दे रही है। बेटा आप लोग किसी भी प्रकार से घबराए नहीं, अभी आपके पास में 12 मिनट और है। 12 मिनट का बहुत निवेदन कर रहा हूँ मैं, 2:10 पे आप लोगों को समय दूंगा ना, आप अपने प्रतिभागियों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे भाई। इतना निवेदन करने के बाद भी आप लोग नहीं सुन रहे हैं क्यों, मतलब आप लोग नागदा की जनता हैं, आप तो बड़ी समझदार हैं, फिर भी आपसे अपेक्षा है कि दो बज के 3 मिनट हो चुका है, 7 मिनट आप लोगों के पास शेष है। आप लोग इत्मीनान से अपनी रंगोली को फिनिशिंग करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2:10 पे मैं आपको अनाउंसमेंट करूंगा, आप लोग बिल्कुल बनाते हुए बंद हो जाएंगे और वहीं पर बैठे रहेंगे। हमारी नन्ही नन्ही बच्चियों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और जल्दी से मेहंदी वाली बहने बैठ जाए दो लाइन लगा के। अलग अलग नहीं, एक दूसरे के सामने बनाएंगे, एक बनाने वाला और एक मेहंदी बनवाने वाला उसके सामने बैठेगा और जो अपना थोड़ा सा आप ये लोग सुनिश्चित कर लें। हेल्प के लिए बैठ रहे हैं वो
अनुमति नहीं दी जाएगी। ये प्रतियोगिता है तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिन लोगों का टोकन है हमारे निर्णायकगण हमारे वॉलंटियर्स आप लोगों को चेक करेंगे, जिसका टोकन नहीं दिखा प्लीज वो उठाइए, उससे पहले आप लोग इस आग्रह से नहीं करें। और इस रो पे चलने वाले सभी पालकों से माता बहनों से निवेदन है कि इन लोगों की रंगोली को डिस्टर्ब होना प्लीज, आप लोग अभी रंगोली का निर्णय आना बाकी है, इन लोगों की रंगोली के ऊपर से ना गुजरे। इन लोगों ने काफी मेहनत की है, इन लोगों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और आपकी प्रतिभागी की रंगोली आप बिगाड़ रहे हैं। ये जितने भी चलने वाले हलचल करने वाले हैं ये पेरेंट्स, प्लीज आप लोग जल्दी से व्यवस्था बना दीजिए ताकि हम हमारी प्रतियोगिता को प्रारंभ करें। सभी से बार बार अनुरोध कर रहा हूँ प्लीज थोड़ा सा मेला ग्राउंड वॉलंटियर से मेरे पास है। हमारे निर्णायकों के अलावा कोई भी इन प्रतिभागी के बीच में नहीं जाएगा, आप लोग दूर से देख सकते हैं। नगर पालिका परिषद नागदा द्वारा आयोजित मेहंदी एवं रंगोली प्रतियोगिता में पधारे सभी प्रतिभागियों का, दर्शकों का, पेरेंट्स का स्वागत है। वर्तमान में नागदा नगर भी आपके सहयोग से स्वच्छता में कुछ करके दिखा सकता है। आप लोगों से अनुरोध है कि जो प्रयास नगर पालिका परिषद नागदा के कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, उनकी टीम, हमारे अतिथि, इन सबके द्वारा जो किए जा रहे हैं उसका रिजल्ट अब आपके हाथ में है। हमने एक कदम बढ़ा के दिखा दिया है, अब उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज रखवाना आपके हाथ में है। तो आप लोगों से भी निवेदन है, सभी से जो भी यहाँ मेला प्रांगण में उपस्थित हैं, कि स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व का निर्वहन निश्चित करें। बच्चे लोग भी जो डिस्टर्ब हो रहा है उनको तो थोड़ा सा उनको रोके। Thank you.
उपस्थित है। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग स्टेज पे पहुंचेंगे तो प्रतियोगिता के विनर्स को, क्या नाम है बेटा आपका? तो आप लोग स्टेज पे पहुंचे अपने श्री सज्जन सिंह जी शेखावत की पत्नी श्रीमती सुमन जी शेखावत जी उपस्थित है। चलो अपने देश का आप तो इसको डाल देना इसका। सभी महिलाओं से पुनः अनुरोध की आप जितनी जल्दी हो सके मंच पर कृपया समय समय पर पधार करके आप सभी मैंने कहा सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं सर्वप्रथम हमारे मेहंदी रंगोली प्रतियोगिता के अध्यक्ष श्रीमती सुप्रिया स्वामी जी से निवेदन करूंगी कि वह आए और हमारी जज इंदुपाल जी का स्वागत करें। अर्चना वर्मा जी से अनुग्रह करूंगी कि वह आए और श्रीदेव चौधरी जी का स्वागत करें। एक बालिका जिसका नाम शिवानी है, लाल कपड़े पहने हुए है, जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष है। वो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बताओ बेटा, 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 बताओ बेटा,
मेहंदी में जिसको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड प्राइज मिला वो हमारे पास में आए, कुछ कन्फ्यूजन हुआ है हमसे। फर्स्ट इनाम दे मेहंदी का 72 टोकन नंबर।